तुम्हें पता नहीं है मैंने और तुम्हारी माँ ने कितनी दुआएं की थी। बस दादो आप दोनों की दुआएं रंग लें। हमारी दुआएं भी और तुम्हारी मोहब्बत। दादो जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब जब वो इस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी होकर आएगी। बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना, कोई भी परेशानी हो कोई भी मसला हो आसिम से मत छुपाना। अम्मी अब कोई मसला नहीं होगा, जो सबक मुझे जिंदगी ने सिखा दिया है उसके बाद किसी मसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे क्या वजह है, बड़ी मोहब्बत आ रही है उन लोगों पर? हम रिश्तेदारी हो गई उनसे। बाय द वे आप सोच भी नहीं सकती कि नवेरा कितनी खुश है वहाँ। हाँ आया था उसका फोन मेरे पास, वो भी मेरी तरह गलत फहमी का शिकार है कि तुम उसकी फैमिली का ख्याल उसकी वजह से कर रहे हो। मुझे तुम मलिका के भाई से मिलवा सकते हो? किस सिलसिले में? काम थोड़ा प्राइवेट है। वैसे मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन? मैं मलिका का शौहर। ओ रियली? तुम उसके शौहर?